हाँ तो दोस्तों, एक और नई वीडियो लेके आ चुका हूँ मैं आप सभी के सामने आपके अपने चैनल ट्रिकी मैन पर। तो गाइज, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। वोडाफोन आइडिया की तरफ से एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, जहां पर आप लोगों को वोडाफोन आइडिया की तरफ से स्कॉलरशिप दी जा रही है। यहां पे स्कूल स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट, इवन टीचर्स को भी स्कॉलरशिप दी जा रही है। इस पोर्टल पर 20,000 रुपीज की यहां पे स्कॉलरशिप दी जा रही है। एक बहुत ही अच्छा मौका है सभी स्कूल स्टूडेंट, फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट, ग्रेजुएट स्टूडेंट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, यहाँ पे PhD स्टूडेंट भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिटेल में देखेंगे कैसे आप लोगों को स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। साथ ही साथ एक न्यू कॉन्सेप्ट भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस स्कॉलरशिप का, जो कि इस प्लेटफॉर्म पर मुझे देखने को मिला, जो कि आप लोगों को और प्लेटफॉर्म्स पर नहीं मिलता, उसकी भी हम लोग बात करेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। साथ ही साथ एक और अच्छी अपडेट है आप लोगों के लिए, अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर आप लोग गेट एंड ESC एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेके आया है न्यू बैचेस, जहां पर आप लोग गेट एग्जाम की फुल प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप EC ब्रांच से हैं, CSIT ब्रांच से हैं, तो आप लोगों को इन बैचेस में जरूर इनरोल करना चाहिए, जहां पर आप लोगों को इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों की गेट एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहे होंगे। यहां पे टॉप एजुकेटर्स में रविंद्र बाबू रवुला सर हैं, साथ ही साथ अंकित गोयल सर है, विष्णु सर है, ऐसे टीचर्स जिनको 15+ का ईयर एक्सपीरियंस है, वो टीचर्स आप लोगों को यहां पे एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहे होंगे। तो सीधी सी बात है, आपका एग्जाम तो क्रैक हो ही जाएगा। साथ ही साथ 800+ आवर्स का आपको कंटेंट मिलने वाला है इन बैचेस में। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हैं, तो कूपन कोड में आपको ट्रिकी मैन डालना होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं ऐड कर दूंगा, वहां से आप लोग डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी का। कूपन कोड में ट्रिकी मैन डालने से आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप अनअकैडमी पर कुछ भी कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो वहां पे आप लोग ट्रिकी मैन कूपन कोड जरूर डालिएगा। अब बात करते हैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, यानी कि आप लोग कैसे स्कॉलरशिप का फायदा उठा सकते हैं। तो ये स्कॉलरशिप है वो वोडाफोन आइडिया की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे उन्होंने लॉन्च की है, वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा learningwithvodafoneidea.in। यहाँ पे जो ये स्कॉलरशिप है वो बेसिकली इनिशिएटिव है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कंपनी का, जो कि टीचर्स एंड स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप पोर्टल लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आने वाले टाइम में आप लोगों को बहुत सारी स्कॉलरशिप देखने को मिलेंगी। अभी भी यहाँ पे स्कॉलरशिप है जिसके लिए अभी हम लोग अप्लाई करके देखेंगे। तो मैं जिस यूनिक कॉन्सेप्ट की आप लोगों को बात कर रहा था, वो यूनिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। आप लोगों को यहाँ पे 2 टाइप्स की स्कॉलरशिप देखने को मिलती हैं, एक है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, एक है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप क्या है, जिन लोगों को जरूरत है, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है जो स्टूडेंट्स, उनके लिए है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम होती है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है। जो पढ़ाई में अच्छे हैं, मार्क्स अच्छे आते हैं, वो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों स्कॉलरशिप आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है। तो उन सभी स्टूडेंट्स की यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है जिनकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम है, वो यहाँ पे मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कैसे आपको अप्लाई करना है। उससे पहले यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, 4 स्टेप में आप लोग एप्लीकेशन अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा इस प्लेटफॉर्म पर, उसके बाद आपको अपने हिसाब की यहाँ पे बेसिकली स्कॉलरशिप ढूंढनी होगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी स्कॉलरशिप है आप लोगों के लिए। उसके बाद आपको अप्लाई करना होगा, उसके बाद आप लोग कोई हेल्प चाहिए तो वो ले सकते हैं, बाकी आपका रिजल्ट होगा उसी बेसिस पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा यहाँ पे, अगर आप लोगों ने कोई और भी स्कॉलरशिप अप्लाई की है, लाइक आपने NSP टाइप स्कॉलरशिप अप्लाई किया, तो भी आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को। साथ ही साथ अगर आपकी वोडाफोन आइडिया की सिम नहीं है, तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास जियो की सिम है, तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। अब बात करते हैं कैसे आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। तो उसके लिए आपको यहां पे जस्ट रजिस्टर नाउ के बटन पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप लोग यहां पे स्कॉलरशिप देख सकते हैं, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। तो यहां पे सबसे पहले हम लोगों ने मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप देखी, तो डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलरशिप है यहां पे। IIM रांची की तरफ से पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप है यहां पे, और यहां पे स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, डिफरेंट प्रोग्राम है आप लोगों के लिए, बहुत सारी स्कॉलरशिप। अगर नीड बेस्ड की अगर हम लोग बात करें, तो यहां पे 2 स्कॉलरशिप काफी अच्छी आई हुई है, एक तो वोडाफोन टीचर स्कॉलरशिप, एक वोडाफोन आइडिया स्टूडेंट स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप में आप लोगों को 20,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जा रही है, जहां पे 11,000 से लोगों ज़्यादा लोगों ने स्कॉलरशिप को देख चुके हैं और आई थिंक अप्लाई भी कर चुके होंगे, जहां पे आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए। तो आज हम लोग यही देखने वाले हैं कैसे अप्लाई करना है। बाकी आप लोग यहां पे अपनी क्लास वाइज यहां पे स्कॉलरशिप देखिएगा, जिस भी आप लोग क्लास में हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो भी आप लोग कर रहे हैं, अपने हिसाब से यहाँ पे जेंडर वाइज आप लोग कैटेगरी वाइज यहाँ पे सारे ऑप्शन फिल्टर करके आप लोगों को देखनी है कि आपके हिसाब से यहाँ पे कौन सी स्कॉलरशिप है, उसी में आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सक
करके दिखा देता हूँ, जहाँ पे आप लोग यहाँ पे VI स्टूडेंट स्कॉलरशिप है, जिसमें 6th क्लास से ऊपर के सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन दिया गया, लास्ट डेट जो है स्कॉलरशिप की वो 31st मार्च है, तो उससे पहले आपको अप्लाई करना होगा इसके लिए अगर करना चाहते हैं तो आप लोग। उसके बाद यहाँ पे अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें, यहाँ पे एक अकाउंट चाहिएगा आप लोगों को अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपकी ईमेल आईडी, आप लोगों की मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल कौन सी किसका है, ये जो मोबाइल नंबर आप लोग दे रहे हैं, पासवर्ड आप लोगों का, और उसके बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक करके आपका एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पे आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है इस प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद हम लोग देखेंगे अप्लाई कैसे करना है। अकाउंट क्रिएट होने के बाद यहाँ पे आ चुका है कि आप लोगों ने इसके लिए अकाउंट क्रिएट हो चुका है आपका वोडाफोन आइडिया में। अब आपको अप्लाई करना है, यहाँ पे ओके कर देना आप लोगों को, और यहाँ पे अप्लाई ना हो गया बटन पे आप लोगों को स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है। अगर आप टीचर हैं तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आपकी 32 ईयर से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं जिनके लिए स्कॉलरशिप बेनिफिशियल हो सकती है तो आप लोग उनके साथ ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट वाली हम लोगों ने स्कॉलरशिप दे ली, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी होती है, लाइक आपका नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, जो भी डिटेल्स होती है, जो भी आप लोगों ने अकाउंट बनाया है उसी के हिसाब से आप लोग डिटेल डालिएगा। उसके बाद आपको अपनी स्कूल डिटेल डालनी होती है, कॉलेज में है, स्कूल में, आपके स्कूल का एड्रेस डालना होता है, पिन कोड आपको देना होता है, कौन सी दिल्ली में, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ तो उसके हिसाब से यहाँ पे मैंने फिल किया हुआ है, करंट स्टैंडर्ड कौन सा आपका, यहाँ पे जो ये स्कॉलरशिप है वो 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए है तो आप लोग उसके हिसाब से फिल करिएगा। उसके बाद आपकी CGPA वगैरह, आपका कॉलेज स्कूल जो है प्राइवेट है और सेमी प्राइवेट है, वो सब कुछ आप लोगों को फिल करना है। नेक्स्ट पे आप लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे आपकी फैमिली डिटेल्स आप लोगों को ऐड करनी है, रिलेशनशिप, अगर आप फादर्स की डिटेल डाल रहे हैं तो यहाँ पे उनके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल डालनी है और ऐड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद एकेडमिक परफॉर्मेंस पे आप लोगों को क्लिक करना है, यहाँ पे आप लोगों को अपनी डिटेल देनी है कि आप लोगों के मार्क्स वगैरह कितने आए हैं 11th, 12th में, 10th में, जो लास्ट आप लोगों ने क्लास पास किए। फॉर एग्जांपल अगर आप 11th क्लास में तो आप लोग यहाँ पे 10th क्लास फिल कर सकते हैं, 10th क्लास कब आपने पास की थी, उसमें आपके परसेंटेज कितने आए थे, क्लास में रैंक क्या थी आपकी, और जो आपका कोर्स था बेसिकली क्लास थी वो फुल टाइम थी या फिर आप पार्ट टाइम जाते थे, मोड ऑफ स्टडी क्या था, यानी कि अगर आप लोग बेसिकली हॉस्टल वगैरह में रहते थे या कैसे रहते थे। उसके बाद आप लोगों ने कोई स्कॉलरशिप पहले ली है नहीं ली है, उसके बाद यस नो और नेक्स्ट पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों की सबमिशन हो चुकी है, आपकी एप्लीकेशन फिल हो चुकी है, यहाँ पे एक एक करके हम लोगों ने सारी एप्लीकेशन फिल कर दी। यहाँ पे एक और स्टेप रह जाता है जो कि मैं बताना भूल गया, आपको यहाँ पे बैंक डिटेल्स डालनी है, साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं। यहाँ पे आपको प्रॉपर डिटेल्स, यहाँ पे 5-6 चीज़ें आप लोगों की डॉक्यूमेंट्स में मांगी गई हैं, आपकी फोटोग्राफ, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, लेटेस्ट मार्कशीट डिटेल्स आप लोगों की, एनुअल फैमिली इनकम का कोई प्रूफ आप लोगों का, उसके बाद यहाँ पे बैंक पासबुक और बोनिफाइड लेटर जो कि आप लोग अपने स्कूल या फिर कॉलेज से ले सकते हैं। उसके बाद आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग अप्लाई कर देते हैं, ये आप लोग की सबमिट हो चुकी है, यहाँ पे लिखा आ चुका है कि आप लोगों ने अप्लाई कर दिया है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको जो आप लोगों ने मेल आईडी दी है वहाँ पे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को बेसिकली हम लोगों ने सबमिट कर दिया, अपडेट वगैरह सब कुछ हो चुका है, साथ ही साथ यहाँ पे आपके प्रोफाइल दिखाई दे रहा है 50% कंप्लीट है, तो आप लोग अपनी ये प्रोफाइल को कंप्लीट कर लीजिएगा 100%, ताकि आप लोगों को और भी जितने भी स्कॉलरशिप इनके प्लेटफॉर्म पर आएँ तो आप लोगों को सबसे पहले पता चल सके। बाकी मेरी चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना ताकि आप लोगों को इस टाइप की वीडियोस मिलती रहे हमारे थ्रू भी। तो इस वीडियो में गाइस बस इतना ही, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।